दिव्यांग एकता समिति की पदाधिकारी ने अपनी मासिक बैठक की है, जिसके बाद एक 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। प्रधान डाकघर के पास दिव्यांगजन की एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों की तमाम समस्याओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। लगातार दिव्यांगों को कई तरीके की समस्याएं हो रही हैं। सरकारी योजनाएं ना मिल पाने से दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे दिव्यांग भी परेशान है। बैठक में सभी दिव्यांगों ने एकत्रित होकर विस्तृत रूप से चर्चा की और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की है, जिसके बाद एक 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें एक देश एक पेंशन 5,000 प्रति माह दी जाए, दिव्यांगजन को लोकसभा विधानसभा के सभी स्तर के चुनाव में सीट आरक्षित की जाए, दिव्यांग विधवा व्रत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक एक्ट लागू किया जाए, सभी दिव्यांगजन का कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा, किसी भी प्रकार की हानि होने पर उनके परिवार को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए, सभी राज्यों की बसों में एक UID कार्ड परिवहन विभाग द्वारा लागू किया जाए, सभी दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री आवास शहरी ग्रामीण में शामिल किया जाए, दिव्यांग शादी अनुदान को राजस्थान की तर्ज पर 5 लाख दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए जाए, दिव्यांग आरक्षण 4% से बढ़कर 15% किया जाए, हर जिले में दिव्यांग केंद्र खोले जाए, सभी दिव्यांगों को अंत्योदय श्रेणी में लाया जाए, यह मांगे शामिल की गई।